देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है जिसकी तीनों लिमिट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी के भी सापेक्ष इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं, चाहे एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष। मान लीजिए हम एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले, तो दो इंटीग्रेशन ऐसा कैसे रह जाएंगे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, डी वाई और डी जेड ऐसा कैसे ही रह जाएगा। इस एक्स पर लिमिट आएगी 0 to 1, एक्स की जगह 1 और माइनस 0 रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा। और अब हम इसको लिखेंगे 0 to 1 डी वाई और डी जेड। अब हम y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 to 1 रह जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, लिमिट इसकी भी 0 to 1 हो गई। अब dz यहाँ रह जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 - 0 से 1 रह जाएगी। और लास्ट में हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहा अब वो केवल dz रहा और dz का इंटीग्रेशन भी z हो जाएगा और 0 to 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 1 - 0 यानी कि 1। देखिए कितना आसान है।